मेन टारगेट है कि पहले ट्रेनिंग अचीव करनी है, क्योंकि अभी मैं अभी अपने सेंटर वापस जा रही हूँ, तो वहाँ से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद मार्च के बाद मेरे कंपटीशन स्टार्ट है। स्टार्ट तो खैर अभी से है, बट ट्रेनिंग करने के बाद, फिर बाहर से ट्रेनिंग करने के बाद मार्च में क्वालिफिकेशन मैचेस है, वो मुझे खेलने हैं, तो वहाँ से मेरा कंपटीशन स्टार्ट है मेन। फिर उसके बाद सबको पता है इस साल एशियन गेम्स है, और एशियन गेम्स में ही मेडल का टारगेट है राइट नाउ मेरा, और अगर वहां पे मेरा मेडल आ जाता तो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स की। खेलो इंडिया ने ही कॉमनवेल्थ के लिए हेल्प करा है मुझे, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं एक अपने भोपाल साई में नहीं होती, तो उस वजह से ही हुआ है, क्योंकि वहां पे मेरा डाइट शेड्यूल, स्लीप शेड्यूल, और मतलब एक साइकिल बन गई थी मेरी कि ट्रेनिंग इस टाइम, खाना इस टाइम, रेस्ट इस टाइम, तो एक जैसे कहते प्रॉपर साइकिल वो बन गई थी वहाँ पे मेरी। पुणे खेला, देन पुणे के बाद मैं यूनिवर्सिटी खेली थी, फिर एक और बारी, एक दो बारी और खेला है, चार खेलो इंडिया खेले हैं मैंने। मेन है खेलो इंडिया की जो स्कीम है कि छोटे छोटे बच्चों को जो वो मतलब ऊपर ला रहे हैं, ग्रास रूट से बच्चों को ऊपर ला रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के लिए स्कीम बनी है कि ये यहाँ से बच्चे उठते और यहाँ पे आते हैं। साई से तो सर बहुत ही ज्यादा हेल्प मिली है, क्योंकि अभी भी हमारे दो तीन प्लेयर्स बाहर गए हुए ट्रेनिंग के लिए, एशियन गेम्स की तैयारी करने के लिए वो बाहर गए हैं। मैं इंडिया में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे उस चीज पे भी वर्क करना है। भोपाल को एक मतलब प्रमोट करने के लिए एक चीज मिल गई है कि उनको खेलो इंडिया मिल गया, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उस सीन में बहुत ज्यादा डेवलप होता है, क्योंकि हम सबको पता है कि जहाँ पे भी ओलंपिक गेम्स होते हैं वो डेवलप कंट्री ही बन जाती है एकदम से। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे हमारे लिए खेलो, हमारे इंडिया के लिए खेलो इंडिया बहुत बड़ी चीज हो गई है।